इंस्ट्रक्शन। नमस्ते। नमस्ते। ये नया फ्रॉक डाला है, अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पीले रंग का होता ना तो और भी अच्छा होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे माथे की बिंदी कैसी है? बिंदी तो अच्छी है, पर तिलक जैसा लंबा टीका होता ना तो और भी अच्छा लगता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा लगने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? चड्डी पहननी चाहिए। प्यारी समझ गई। तो क्या हालचाल मेरे भाई दोस्त, आज लाया हूँ बॉलीवुड के ऐसी संस्कारी कुछ सीन जिनको देखकर आपको बिताना पड़ेगा बाथरूम में आधा दिन। तो चलो देखते हैं, लेट बिगिन। क्या कर रही है? अबे साले तूने दीदी को गोली मारी, अब दीदी तुझको ग्रेनेड्स उड़ा देंगी। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है लेकिन दीदी ने अपने अकल का ताला भी नहीं खोला। मेरा मां नहीं हूं। कौन तुम? पूछ उस मंदिर से, जहां से एक मासूम बच्ची उठा के पोटे पर बैठ गई थी। अरे दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हाथ में ग्रेनेड है उसे तो फेंक दो। जिसके अंधेरों में मासूम गुंगरू बनकर गूंजे थे। अब यहाँ देखो, दो हंसों का जोड़ा कर रहा है पैर थोड़ा थोड़ा, तभी केकड़ा घुस जाता है होल में। लड़की जाती है शर्मा, इसका क्या मतलब होता है बे? अच्छा अब समझ में आया, ये वो होल है जिसकी वजह से सारे लड़के जाते हैं शर्मा। शाबाश संस्कार। और अब यहाँ पर है गोगो मास्टर शक्ति, शक्ति के हाथ पे है फुटबॉल, फुटबॉल से करने जा रहा है ये लड़की का शिकार। लेकिन रुको, इस मूवी में है मिथुन दा, मिथुन दा को तो आप जानते ही हैं। खतरनाक आदमी। और मिथुन दा फुटबॉल को बना लेते हैं वीपन, फिर करते हैं इनका खेल खत्म। अरे बस बस मिथुन दा, आप तो चैंपियन निकले, कर दिया ना गर्म से सीधा सीना चौड़ा। सोचो अगर मिथुन दा जैसे प्लेयर हमारी फुटबॉल टीम में हो तो क्या मेसी क्या रोनाल्डो कर देंगे सबकी ऐसी की तैसी। अगर किसी मूवी में हमारे दिग्गज मिथुन दा और उनके अतरंगी एक्शन ना देखने को मिले तो मूवी देखना ही बेकार है। आई डोंट नो ये कौन सा वसीकरण है जिसमें मिथुन दा ने महारत हासिल की है, बिना गुंडे को हाथ लगाए उसे मार रहे हैं। ऐसा तो मिथुन दा ही कर सकते हैं, ऐसी चमत्कारी चीजें तुम्हें बॉलीवुड में ही देखने को मिल सकती हैं। क्यों भाइयों कुछ चमत्कार नोटिस किया? गोविंदा सर ने एक ही शॉट पे इस गुंडे को स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।